सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जो कि आज आप लोग को सिंपल ट्रिक में बताने वाला हूँ। सिंपली अपने फ़ोटो को स्नैपशीट के अंदर ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद टून इमेज पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा। इसको भी आप लोग को थोड़ा सा माइनस कर देना होगा। इसको आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। इसको भी आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। साइडों को भी बढ़ा लेना होगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली सही वाले ट्रिक पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेलेक्टिव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपने फेस पर कुछ इस टाइप से कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को इस टाइप से जूम कर लेना होगा। उसके बाद ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा। इसको आप लोग को माइनस कर लेना होगा। इसको भी थोड़ा सा माइनस कर लेना होगा। आप लोग देख सकते हैं हम लोग के फेस पर कितना अच्छा लाइट आ चुका है। उसके बाद आप लोग को सेलेक्टिव को क्लिक करके कुछ इस टाइप से कर लेना होगा। ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। इसको भी थोड़ा सा माइनस कर लेना होगा। इसके बाद आप लोग को सिंपली अपने फ़ोटो को शेयर करके लाइट रूम ऐप के अंदर ओपन कर लेना होगा। लाइट रूम ऐप के अंदर फ़ोटो इंटर करने के बाद आप लोग को सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। इसको भी आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। इसको भी आप लोग को बढ़ा लेना होगा। उसके बाद आप लोग को ब्लैक्स को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। उसके बाद आप लोग को इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मिक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से कर लेना होगा। इसके बाद आप लोग को सिंपली डन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। इसको भी आप लोग को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। उसके बाद आप लोग को इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। इसको आप लोग को थोड़ा सा माइनस कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को इसको भी थोड़ा सा माइनस कर लेना होगा। इसको आप लोग को पूरा बढ़ा लेना होगा। उसके बाद आप लोग को इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। इसको भी थोड़ा सा माइनस कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग का फ़ोटो कितना अच्छा एडिट हो चुका है। इसके बाद आप लोग को सिंपली अपने फ़ोटो को शेयर करके ऑटोडॉक्स ऐप में इंटर कर लेना होगा। स्क्रेच बुक ऐप के अंदर ओपन करने के बाद आप लोग को सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद आप लोग को इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को सेटिंग कुछ इस प्रकार से कर लेना होगा। उसके बाद जूम कलर भी आप लोग को मना होगा। उसके बाद फोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से कर लेना होगा। साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। आप लोग देख सकते हैं हम लोग का फेस कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है। इसी तरह से आप लोग अपने फेस पे पूरा अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना अच्छा स्मूथ हो चुका है। इसके बाद आप लोग को सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा और इस वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को कुछ इस टाइप से अपने हेयर पे कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करके इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को सेटिंग को कुछ इस प्रकार से कर लेना होगा। उसके बाद आप लोग को इस तरह से कुछ इस टाइप से कर लेना होगा, जो कि देख सकते हैं हम लोग के हेयर में कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद आप लोग को सिंपली इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करके कुछ इस टाइप से कर लेना होगा। जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा एडिट हो चुका है। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेना होगा।